दिखा रही थी कि ये मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न, तो मैंने पैकेट ले लिए, तो 3 पैकेट में बुआ लोग आएंगे तो बुआ लोग को चाय नाश्ता तो करा दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो पॉपकॉर्न बना देती हूँ, तो पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। और मेरी आवाज़ जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है और जुकाम खांसी बुखार वगैरह है, तो आवाज़ बहुत भारी है, तो आप लोग प्लीज़ अब मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा और बस मैं सॉरी बोलती हूँ। तो बस पॉपकॉर्न में कुछ भी नहीं, उसमें मक्खन वगैरह सब पैकेट में मिला होता है, नमक भी मिला होता है, बस मुझे चलाकर 2 सेकंड के लिए ढक्कन लगाना है और पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा बुआ लोग से पूछा, तो बुआ लोग बोली बना लो, तो बुआ लोगों के लिए फिर बना लिए, तो बुआ के बच्चे भी ले लेंगे, तो ये बनकर तैयार हो गए हैं। उधर दूध आ गया था, दूध भी मैंने चढ़ा दिया है और ये इतने 3 पैकेट में इतने तैयार हुए हैं। तो थोड़े थोड़े बच्चे ले लेंगे और बुआ लोग ले लेंगी, तो ये बुआ लोग बैठी हैं और मैंने कमरे में ही दे दी, क्योंकि कमरे में आजकल गर्मियाँ हैं तो ड्राइंग रूम में नहीं बैठा जाता है, तो कमरे में कूलर पंखा तो है, तो हमने कह दिया बुआ लोग कूलर में ही बैठो, ठंडक रहेगी, ड्राइंग रूम मेरा बहुत गर्म होता है, बहुत गर्माता है, तो मैंने इसलिए। और श्रेया को भी दे दिया, बच्चों को भी दे दिया इसी से ले लेके, तो बुआ लोग उसका, अब बुआ लोग ये क्या कर रही हैं, खरबूजे जो आए थे तो उसके बीजे मैं निकाल लेती हूँ, धोकर रख देती हूँ सुखा कर, तो बुआ बोली कि खरबूजे के बीजे हैं तो आप मुझे दे दो, मैं छील देती हूँ, तो वही वो छील रही थी, तो तीनों बुआ बोली बैठी रहती हूँ ला छील दूँ, तो उन्होंने छील दिए मेरे, और जन्माष्टमी मेरे काम भी आ जाएंगे। तो वो लोग बहुत ऐसे बैठे बैठे वाले बहुत काम करते, क्योंकि उन लोग के पैर थोड़े ठीक नहीं है, गाँठी वगैरह उनकी दर्द होती है, तो चल नहीं पाती ज़्यादा, तो बैठे वाले सारे काम कर देती हैं। और ये भुट्टे भी बुआ जब बताया ना लाई थी तो सूख रहे थे, 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने इनके छिक्कल निकाल कर रख दिए हैं और मैं इनको तोड़े दे रही हूँ बीच से, और मैं इनको उबलने के लिए, क्योंकि शाम को सोच रही हूँ नाश्ते में कॉर्न चाट बना दूंगी, तो उबालने के लिए रख दिए, बहुत ही अच्छी से बनती है भुट्टे। लोगों के पास कभी भुट्टे आए तो आप लोग भुट्टे छील कर उसके दाने निकाल लीजिए, धूप में 2-3 दिन सुखा लीजिए तो और रख दीजिए, तो कभी भी आप कॉर्न चाट बना लें। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और मैं अभी आपको दिखाया कि भुट्टे इतने सारे कहाँ से आ गए, तो भुट्टे जो मेरी बुआ सास वगैरह आई हैं, नहीं वो बुआ सासें इसलिए बोल रहे हैं कि एक बुआ सास नहीं 3 बुआ सासें आई हैं, तो वही भुट्टे लाई थी, और जो तरबूज दिखाया था वो तरबूज भी लाई थी। तो भुट्टे ये जो हैं 2-3 दिन से आई हुई तो सूख गए, अभी निकालने का टाइम नहीं मिला तो आज निकाला, तो मैंने सोचा कॉर्न चाट बना ली जाए, तो मैंने भुट्टे को छील लिया है, थोड़े थोड़े सूख से गए हैं, तो भुट्टों को मैंने छील लिया है और छील कर कुकर में उबालने चढ़ाया हूँ। और आज खाने में लंच में बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो एक बुआ साथ जो है वो बाहर केदारनाथ वगैरह घूमने गई थी, तो वहाँ से मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई है, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये कंगन लाई है, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत हैं। तो वो गई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह होकर आई हैं, तो वहाँ से ये कंगन लेके आई हैं। और एक लाई है ये पेंडल सेट, तो इस तरह का पेंडल सेट है, अच्छा लग रहा। और ये कंगन है, तो पेंडल सेट कैसा लगा आप लोग बताइए। पेंडल सेट सिर्फ पेंडल है माले में, तो वो कैसा लगा आपको बताइएगा, कंगन कैसे लगे। और वो कहीं मार्केट भी गई थी तो मेरे पास आटे चालने वाली चलनी नहीं थी, लाई थी अपने लिए, तो मैंने भी मंगा ली है। तो इसमें एक तो आटे चालने वाली है और एक है जैसे मैदा वगैरह बेसन वगैरह महीन चालनी चाहिए, जैसे कभी कीड़े हो जाते हैं, तो इसको बुआ कह रही थी इसको बोलते हैं ऐलक, शायद ऐलक ही बोलते हैं। तो ये चलनी बड़ी लाई, इसमें मैदा है, बेसन है, ये सब चीज़ें चालने के लिए, तो वो लाई थी अपने लिए, तो मुझे भी अच्छी लगी तो मैंने ही मंगा। और ये आटे चालने वाली मंगा ली थी चलनी। कभी कभी मैदा बेसन में कीड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ हो जाता है वैसे, तो वो चालने के लिए ना ये कीड़े हो जाते हैं, तो इसे बिल्कुल महीन सी है तो आराम से निकल आएंगे, बेसन मैदा अलग से निकल आएगा, कीड़े इसी में रह जाएंगे। तो बस चलती हूँ, आज मैं मटर पनीर बनाने जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि बेसन की रोटी बनाऊँ, तो बिस्नोई रोटी बोलते हैं जिसको, तो पनीर मटर पनीर और बिस्नोई रोटी बनाने जा रही हूँ। तो और भुट्टे उबाल आई हूँ, तो भुट्टे अभी जो कॉर्न चाट है वो मैं अभी नहीं बनाऊँगी, वो शाम को नाश्ते में बनाऊँगी, चलती हूँ। मैंने चॉप कर लिए हैं, लहसुन काट लिए हैं, अदरक काट लिए हैं, और ये काली मिर्च है, ये 7-8 से वो है काजू हैं, और 2 लौंग हैं, तो इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सब्जी बनेगी, तो मैंने इसीलिए सब ले लिया है।
और इन सब चीज़ों को मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी। तो काजू डाल दिए, इलायची जो लौंग थी वो डाल दिया, और प्याज चॉप किए थे, और लहसुन थे, और अदरक थी, दो लाल मिर्च, अदरक थी, और सब मैंने छोटे छोटे पीस, क्योंकि बड़ा जार है तो मेरे पीसता नहीं है मसाला ढंग से, तो मैंने दो मिर्च डाल दी हैं। तो ये मिर्च मेरी घर की हैं, मैं हरी मिर्च जो आती है उसको मैं सुखा लेती हूँ, तो कभी तड़का लगाना हो या ऐसे मसाले पीसने हो तो उसके काम आ जाती हैं। और ये देखिए कुकर मैं आपको दिखा रही थी कितना काला का, मेरी गैस बहुत काली कर रही है, तो ये कॉर्न चाट के लिए मैंने कुकर चढ़ाया था तो गैस बहुत काली कर रही थी। और इधर ये मेरी होममेड ही पनीर है, क्योंकि मैं कल दूध आया तो फट चुका था, तो फट गया था तो मैंने इसको पनीर बना लिया है, तो इसी को मैं तभी मटर पनीर मैंने सोचा चलो मटर पनीर बना लिया, तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पनीर को। तो इस पर तेल डाल दिया है आधी चम्मच, और नमक थोड़ा सा डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिलाकर रख दूँगी, थोड़ी देर सेट हो जाएगा मसाला सब इसमें। तो मैंने इसको, ये देखिए गैस मेरी कितनी काली कर रही है, और उधर कॉर्न चाट जो वो भुट्टे चढ़े हैं तो मैंने इनको रख, वो बनाऊंगी शाम को, लेकिन मैं उबाल कर रखे दे रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा एक बड़ी चम्मच तेल डाल दिया, ज़्यादा तेल भी नहीं है, और उसी में मैं पनीर को फ्राई कर, तो नॉन स्टिक वगैरह में लगती नहीं पनीर, अगर आप इंडा में वगैरह करेंगे थोड़ी सी लग जाएगी, तो इसीलिए मैंने नॉन स्टिक चढ़ा दी है। तो ये देखिए पनीर मेरी थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी, मुझे पनीर को थोड़ा सा गुलाबी करना था, तो ये देखिए इस तरह से गुलाबी हो चुकी है। और ये मैंने मलाई ले ली है एक बड़ी चम्मच, घर की मलाई ताज़ी मलाई है, तो मैंने एक चम्मच मलाई बड़ी ले ली है, और इधर उसी तेल में जो तेल पनीर वाला जो मैंने पनीर भूंजा था उसी का तेल था, उससे मैंने डाला भी नहीं उतनी तेल में, मैंने हींग डाल दिया और तेज़पत्ता डाल दिया, और जो मसाला पीसा था वो डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि काली मिर्च लौंग डाल चुकी थी, इसलिए मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला। और ये जो मैं डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी पनीर को मैंने मैश करके रख लिया था वो मैंने डाला है इसी में, जो मलाई थी वो मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, अगर आपको तीखा खाना, क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल चुकी हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालकर और नमक डालकर मैंने उसको तरीके से मसाले को भून लूँगी जब तक तेल ना छोड़ दे, ये रोगनी मिर्च थोड़ी सी कलर लाने के लिए डाल दी। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से मसाला भून रहा है, और जब मसाला अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया तो फिर मैंने उसमें मटर डाल दी, फ्रोजन मटर थी तो मैंने उसमें डाल दी, और ये देखिए देखने में कितनी टेस्टी सब्जी, खाने में उतनी टेस्टी सब्जी थी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डालकर इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए अब लास्ट में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च लौंग डाली थी, लेकिन थोड़ा सा बाद में मैंने इसमें गर्म मसाला भी डाल दिया है। और मुझे इधर खीरे का रायता बनाना था, तब तक ये मटर हो रही थी, थोड़ी सी हो जाएंगी, थोड़ा फ्रोजन है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दस्ती ढक दिए 5 मिनट के लिए, और इधर मैं खीरे को छील ले रही हूँ। तो मुझे खीरे का रायता आजकल अच्छा लगता है, खीरे का रायता, तो खीरे का रायता बना ले रही हूँ, तो उससे कद्दूकस कर ले रही हूँ खीरे को। और जब तक सब्ज़ी चढ़ी हुई है तो ज़्यादा वैसे फ्रोजन मटर है तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो 5 मिनट के लिए। और मैं इधर मट्ठे का रायता बना रही हूँ, तो मट्ठे का रायता बना रही हूँ, तो मैं मट्ठा हो या दही हो तो रायता बनाती हूँ, तो दही में दूध ही डालती हूँ, मेरे यहाँ पानी नहीं डाला जाता दूध में, उससे सौंधा सौंधा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और देखने में भी अच्छा रायता लगता है। तो मैंने काला नमक है, सफ़ेद नमक है, भुंजा जीरा है जो घर में मैं बनाती हूँ, और लाल मिर्च पाउडर है, ये सब डालकर रख दिए हैं। और तो ये देखिए रायता तैयार हो चुका, मैं रायते में पानी कम ही डालती हूँ, मैंने बताया कई बार आप लोगों को बताया कि पानी, क्योंकि मेरे यहाँ डाला, और मुझे भी अब नेचर लगता थोड़ा पानी डाल दो, तो कभी ज़रूरत पड़ी तो डालती हूँ, वरना मैं दूध से ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बनाया रायता, दही या दूध, दही हो या दही तो होएगा, मट्ठा तो होएगा, उसमें दूध भी डालती हूँ। और इधर ये पनीर देखिए पूरी तैयार हो चुकी, तो मैंने सॉरी मटर तैयार हो चुकी थी, तो पनीर डाल दी उसमें, तो ये 5 मिनट के लिए मैंने ढक दी है, और फिर हरी धनिया डालकर इसको गार्निश कर लिया। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी भी थी, मैं तो वॉइस ओवर करी, लेकिन बहुत अच्छी सब्ज़ी, कभी कभी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है और इस तरह से बनाई मटर पनीर, तो बहुत ही अच्छी, ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही, जितनी देखने में अच्छी लगी उतनी खाने में भी अच्छी थी। और मैं इधर बेसन की रोटी बना रही हूँ, तो बेसन मैंने एक कटोरी ले लिया है, और इसको मैं चाल ले रही हूँ, देखिए जब थोड़े थोड़े से लम्स रहते हैं तो उसको मैंने हाथ से दबा कर उसको चाल लिया है पूरा। और 2 कटोरी मैंने आटा गेहूँ का ले लिया था, और इसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस सिर्फ पानी से गूंथ लेना है। तो मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया और उसको दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, फिर पानी से गूंथ लिया, इसमें कुछ भी नहीं, नमक है, अजवाइन कुछ भी नहीं मिलाना है, बस ऐसे ही पानी से इसको गूंथ लेना, जिस तरह से आटा गूंथे उसी तरह से गूंथ लेना है। रोटियां बनानी है तो रोटियों के तरीके आटा थोड़ा ढीला ही गूंथेगा, तो ये इस तरह से मैंने पूरा आटा, थोड़ा टाइम लगता है, आटा जब अच्छा गूंथा होगा तो रोटियाँ वाकई बहुत अच्छी बनती हैं, तो चाहे बेसन की हो चाहे गेहूँ की हो कुछ भी हो तो रोटियाँ बहुत अच्छी लगती। तो आटा अच्छी तरीके से मैंने गूंथ कर रख दिया, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सेट होगा, जब तक ये देखिए भुट्टे भी तैयार हो चुके, और देखिए कितनी जल्दी से दाने निकल रहे हैं, मैं ये दिखा रही थी आपको, दाने कितने आराम से निकले आ रहे हैं, उसमें कोई भी दर्द, हाथ भी दर्द, कभी कभी अंगूठा नहीं दर्द होने लगता, वो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से निकलना है। तो मैंने भुट्टे
उठाकर ऐसे ही कुकर में बंद करके रख दिया, मैं आपको दिखा रही थी। तो मुझे इधर खाने की थोड़ी तैयारी जल्दी करनी थी क्योंकि लेट हो गया था खाना। और इधर रोटियां भी मैं बेल लूँ, देखिए कितना अच्छा आटा गूंथा है, तो रोटियां बहुत ही अच्छी तरीके से बेल जाती हैं, बहुत ही गोल तरीके से। देखिए आटा जब अच्छा होगा तो रोटियां अपने आप ही अच्छी बनेंगी। तो मैंने रख दिया और रोटियां बेल रही हूँ, क्योंकि खाने में मुझे ये रोटियां गर्म ही अच्छी लगती, तो सब लोग खाने के लिए आ गए थे तभी मैंने रोटियां बनाना चालू किया था। और वैसे ये रख दो रोटियां तो उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेंगी, तो ये बनता गर्म रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती। और इसको मैं खरी खरी सेक रही हूँ, ये मुलायम भी थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा खरी, अगर जिसके दांत ना हो तो मुलायम भी सेक सकता है, लेकिन यहाँ सब दांत वाले थे, तो अब बुआ लोग के वहाँ के थोड़े दांत वैसे हैं, तो मैंने थोड़ी उनके लिए मुलायम सेकी थी, लेकिन इनके पापा लोग श्रेया लोगों के लिए थोड़ी खरी खरी सेक दी थी। तो ये देखिए मटर पनीर तैयार हो चुकी, इधर रोटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए कितनी अच्छी खरी खरी रोटियाँ सीखी हैं। और इसमें घी भी थोड़ा देसी घी ज़्यादा ही लगता है रोटियों, तभी अच्छी लगती है रोटियाँ। तो ये रायता खीरे का हो गया, खीरे का सलाद भी हो गया, मटर पनीर हो गई है, नींबू और आम का अचार हो गया है। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा आके। तो और ये भुट्टे देखिए, मैं शाम का समय तब मैं भुट्टे मैंने निकाले थे कुकर से, मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो ये देखिए अब मैं दाने इसके निकाले ले रही, कितनी जल्दी आसानी से निकल रहे हैं, मैंने उसी पानी में कुकर में बंद करके रख दिया था और फिर मैंने बाद में ही निकाला जब खाना पीना सब साफ सफाई हो गई थी। और ये देखिए भुट्टे दाने भी निकल चुके हैं मेरे, सारे भुट्टों के दाने निकल चुके हैं। तो ये देखिए भुट्टे थे, दान वो थे और ये दाने थे। और फिर बस शाम को मुझे बताया था शाम को नाश्ते में बनाऊंगी कौन चाट तो सबके लिए, तो सिर्फ देसी घी डालना था, उसमें हींग जीरा तो डालना ही नहीं था, तो फिर देसी घी डाला और कौन डाल दिए। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया, काला नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दी और चाट मसाला डाल, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं काट कर, लेकिन बच्चों ने खाना तो हरी मिर्च नहीं डाली थी, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं हरी मिर्च भी। और फिर नींबू डाल दिया, और मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो, कौन चाट में नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो तभी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब आप मॉल वगैरह में खाते होंगे तो नमक मिर्च कितने चटपटे होते हैं, तो उसी तरीके से बनाइएगा तभी अच्छे लगे। तो मिर्च मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कॉमेंट तो ज़रूर करिएगा कि कैसी कौन चाट लगी और मटर पनीर कैसी लगी प्लीज़।